दोस्तों कहा जाता है कि माता वैष्णो देवी मंदिर का निर्माण करीब 700 वर्ष पहले पंडित श्रीधर के द्वारा करवाया गया था। पंडित श्रीधर की भक्ति से प्रसन्न होकर ही देवी माँ ने उन्हें एक छोटी बच्ची के रूप में दर्शन दिए थे और उसी वक्त इस मंदिर का निर्माण हुआ था। कहा जाता है कि जिस गुफा में माता का निवास स्थान है उसी गुफा में माता वैष्णो देवी ने 9 महीने बिताए थे। कोई भी शिशु माता के गर्भ में 9 महीने रहता है, इसी कारण इस गुफा को गर्भ जून के नाम से जाना जाता है। मान्यताओं के अनुसार पंडित श्रीधर को सपने में माता रानी ने दर्शन दिए थे।